तुमको ना स्क्रीन पर देखो तुम्हारा एक सवाल नजर आ रहा होगा, देखो स्क्रीन पर देखो, देखो मैं भी मिल करके पढ़ता हूँ और तुम भी पढ़ो उसको। देखो तो ये सवाल पूछा गया जेई मेंस में 2000 में, ठीक है, और 2000 में पूछा गया ये, है ना, 2000 में, और सवाल था ये 2 नंबर का भाई साहब, है ना, और सवाल बिल्कुल आसान है। देखो पढ़ो उसको। मैं आज क्या करता हूँ ना, तुमको हाफ बोर्ड पर मैं सवाल दिखा देता हूँ, ठीक है, और हाफ बोर्ड पर मैं खुद खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि ग्राफ ग्राफ के सवाल है ना तो थोड़ा दिक्कत आएगी, नहीं तो ठीक है। चलो भाई पढ़ो सवाल को, पढ़ो सवाल क्या बोलता है। सवाल बोलता है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट डी अबव द ग्राउंड, ठीक है, अबव द ग्राउंड उसको ड्रॉप कर दिया। फिर बोला कि इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंसेस अप वर्टिकली टू अ हाइट डी बाय टू। ओके, बोला गया कि नेगलेक्टिंग द सब्सिक्वेंट मोशन एंड द एयर रेजिस्टेंस इट्स वेलोसिटी वी वेरीज विद हाइट एच अबव द ग्राउंड एज, ठीक है। सवाल तुम्हारे सामने है भाई साहब, है ना, मैं तो कहता हूँ इसको पढ़ो जरा एक बार, वीडियो को जरा 2 मिनट के लिए स्टॉप कर दो, मैं तो यही हूँ, तुम भी यही हो भाई साहब, हम दोनों में से किसी ने कहीं नहीं जाना नहीं है, है ना, मैंने पढ़ाना है तुमने पढ़ना है, तो मैं तो कहता हूँ वीडियो को 2 मिनट यहीं पे स्टॉप करो और एक बार देखो यार के कहना क्या चाह रहा है ये। देखो 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 मैं यही हूँ भाई साहब, मेरे को कोई जल्दी नहीं है, मैं आराम से पढ़ाऊंगा आज, है ना। बोलो बोलो बोलो, पढ़ा तुमने, सही लग रहा है, करें एक बार अटेम्प्ट, करें, करा तुमने, है ना, ऑप्शन मार्क भी क्या होगा, बोलो ए बी सी डी क्या होना चाहिए, बोलो कर दोगे ना पक्का एकदम भाई साहब जानदार ढंग से, है ना। देख मेरी बात सुन, आ जाओ चलो मिल करके करते हैं, है ना, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं तुम लोगों ने एक बार आंसर मैच भी कर लिया होगा, मार्क कर दिया होगा एक बार, है ना। अब मेरी बात सुनो, देखो क्या सवाल बोला गया, चलो मिल करके करते हैं, ठीक है। सवाल बोला गया कि एक बॉल है और उसको डी हाइट से ड्रॉप कर दिया गया, ठीक है, उसको डी हाइट से ऐसे ड्रॉप कर दिया गया। मैंने बोला ठीक भाई बहुत बढ़िया, है ना, ये डी हाइट थी, है ना, इस डी हाइट से आपने उस बॉल को ऐसे यहां से बस ड्रॉप कर दिया गया, ड्रॉप कर लो या रिलीज कर लो, अरे बात तो एक ही है ना, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करके वो घुमाता है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा ठीक बहुत बढ़िया, तो बोला कि ये अब जमीन को आकर के ऐसे हिट करती है, तो लो भाई जमीन को आई 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 और आकर के ऐसे हिट कर गई, ठीक है। फिर क्या बोला, बोला हिट करके वापस से उछलती है। मैंने कहा अच्छा साला हिट करके वापस उछलती भी है ये, हाँ बोला उछलती है वापस से, और उछलती है तो कहां तक जाती है, उछल के जाती है डी बाय टू तक, ठीक है, यहां तक ही जा पाती है बस, ठीक है, उछल के बस डी बाय टू तक ही जा पाती है और फिर से वहां पर ऐसे रुक जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है ना, वो उसने सवाल में बोला नहीं है। तो अपने को क्या बोला गया, बोला वेलोसिटी और हाइट का वेरिएशन बताएं। मैंने कहा अच्छा वेलोसिटी का और हाइट का वेरिएशन बताएं, ठीक है बेटा मेरी बात सुन, वेलोसिटी और हाइट, बेसिकली हाइट यहां पर डिस्प्लेसमेंट है ना, बॉल का डिस्प्लेसमेंट है, अब वो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उसको डिस्प्लेसमेंट ना बोल करके इन्होंने हाइट बोल दिया, बाकी उसमें कोई खास बात नहीं है, है ना। मैं ऐसी आशा कर रहा हूं मैं बात समझ आ रही होगी बिल्कुल एकदम, है ना, सुनो मेरी बात। तो मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, भाई वेरिएशन बताएं उसका। मैंने कहा ठीक है बेटा ध्यान से देखो, तो वेलोसिटी का और डिस्प्लेसमेंट का जो वेरिएशन होता है ना बेटा, वो कुछ इस प्रकार का होता है। देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, मेरी बात समझ पा रहे हो ना, पक्का पक्का। अब मेरी बात सुने, देखो इनिशियली तो रफ्तार जीरो ही थी ना, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जहां से भी पार्टिकल को छोड़ा जाए या फेंका जाए उस लेवल को आप जीरो लेवल मान लें, अब उसके नीचे सारी की सारी चीजें नेगेटिव मानी जाती हैं, उसके ऊपर सारी की सारी चीजें पॉजिटिव मानी जाती हैं। अब मेरी बात सुनो, अगर यहां से आपने पार्टिकल को गिराया था तो ये लेवल आपके लिए जीरो लेवल है, अब इसके नीचे की सारी चीजें आपके लिए नेगेटिव है और इसके ऊपर की सारी चीजें पॉजिटिव है, और मुझे पता है कि जब वर्टिकल मोशन हो रहा है ना तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो तो हमेशा नीचे के ही तरफ होता है, तो मतलब कि हमेशा नेगेटिव होता है ना, मेरी बात समझ आ रही है। तो इसका मतलब कि अगर देख ध्यान से देख, तो टू और माइनस का जी और एस, बोलो मेरी बात समझ आ रही है, इसका मतलब के वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है पक्का पक्का वो पैराबोलिक है, पक्का पक्का वो पैराबोलिक है, इस बात से तो मैं एग्री करता हूं, है ना। परंतु कैसा पैराबोला सर, सर पानी भरता हुआ पैराबोला या सर पानी ढुलता हुआ पैराबोला कैसा? अब देखो जिसने पुरानी वाली वीडियो नहीं देख रखी ना वो जरा सोच रहा होगा क्या पानी भरता हुआ पैराबोला, जरा क्या पानी गिरता हुआ पैराबोला, क्या कह रहा है ये, है ना। इसीलिए बोला था मैंने कि पहले उसको देख करके आना भाई साहब मजा आएगा, है ना। सुनो सोच करके देख, अगर ये डिस्प्लेसमेंट अगर नेगेटिव हो जाए, मतलब कि जब बॉल नीचे आ रही होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो V और S में देखो पानी भरता हुआ पैराबोला भाई साहब, ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा उसका, है कि नहीं, बहुत बढ़िया। और अगर ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव रहे तो फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वो पानी ढुलता हुआ पैराबोला वाला है, ठीक है। अब मेरी बात सुने, देखो साइड में कहीं तो हम लोग ऐसे बना करके रख लेते हैं कि भाई V और X का ग्राफ हमने बनाना है, ठीक है, V और H का
हमने ग्राफ बनाना है। मैंने कहा ठीक है ओके कोई बात नहीं। सुनो, शुरू में बॉल कहां पर थी? शुरू में बॉल डी हाइट पर थी, बिल्कुल शुरू में। और उसकी वेलोसिटी कितनी थी? वेलोसिटी थी जीरो, मतलब के डिस्प्लेसमेंट तो था उसका। देखो अगर मैं यहां से मेजर करना चाहूं तो शुरू में डी हाइट पर थी, है ना, शुरू में डी हाइट पर थी और वेलोसिटी थी जीरो, इसलिए मैंने इसको इस लाइन पर मार्क करा, इसलिए मैंने इसको इस लाइन पर मार्क करा। अब मेरी बात सुने, देखो जैसे जैसे ये नीचे आ रही होगी डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा नेगेटिव, जी भी है नेगेटिव, तो वेलोसिटी में और डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन है वो है पानी भरता हुआ पैराबोला। भाई साहब कैसा पैराबोला? पानी भरता हुआ पैराबोला। और सुनो, जब ये जमीन को टच करने वाली होगी यहां पर तो रफ्तार कितनी हो जाएगी? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू जी इंटू माइनस डी। क्या लिखा जाएगा? माइनस का डी, है ना, बोलना पड़ेगा भाई सब, क्या लिखा जाएगा? माइनस का डी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तो माइनस का डी लिख दोगे तो वेलोसिटी क्या जाएगी? अंडर रूट 2gd, है ना, दूसरा चला जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2gd। बोलो बात समझ आ रही है? परंतु वेलोसिटी की जो दिशा है वो नीचे की तरफ है, इसलिए भाई साहब नेगेटिव मानी गई। क्या मानी गई? नेगेटिव मानी गई, मतलब कि वेलोसिटी जो है उसको मैंने यहां पर दिखाया और कितना भाई साहब? अंडर रूट 2gd, अंडर रूट 2gd, है ना, और माइनस का, और माइनस का। बोलो बात समझ आई? और पैराबोला कैसे बनाना है? पानी भरता हुआ पैराबोला। तो जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है वेलोसिटी भाई सब नेगेटिव में बढ़ रही है, और बढ़ बढ़ के कितनी हो गई? अंडर रूट जीडी हो गई। कितनी हो गई? अंडर रूट जीडी हो गई। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। अब सुनो, जैसे ही टक्कर हुई बॉल वापस से ऊपर उठी, है ना, जैसे ही टक्कर हुई बॉल वापस से ऊपर उठी, और भाई साहब इतनी रफ्तार से उठी कि भाई साहब डी बाई टू हाइट तक ही पहुंच पाए। चौकी गिर गया भाई साहब, इतनी रफ्तार से उठी कि कहां तक पहुंच पाए? बस डी बाई टू हाइट तक ही पहुंच पाए, मतलब कि डी बाई टू हाइट पर पहुंचने के बाद उसकी रफ्तार हो जाए जीरो, है ना। तो इनिशियली रफ्तार कितनी रही होगी यू डैश, वो मैं निकाल लेता हूं। सुनो, वी स्क्वायर माइनस यू डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। अब मेरी बात सुनो, फाइनली तो रफ्तार होने वाली है जीरो, माइनस यू डैश का स्क्वायर और 2 और माइनस का g, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी बाई टू। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डी बाई टू। भाई सब 2 ने 2 को मार दिया, तो यू डैश कितना था? यू डैश था अंडर रूट का gd, है ना, अंडर रूट का gd। क्या मैं बात समझ आ गई? सोच लो भाई साहब, हाँ ना बोलना पड़ेगा। मैंने कहा अच्छा, तो जब ये उठी थी ना ऊपर की तरफ, जब ये उठी थी तो ध्यान से देखो, तो ऊपर जब ये उठी थी तो उठी थी अंडर रूट gd से, है ना, अंडर रूट gd। देख अंडर रूट 2gd इतना है ना, तो अंडर रूट gd कितना होगा? उसका आधा हो जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट जीडी। मैंने कहा ठीक है भाई बहुत बढ़िया, और कितनी हाइट तक पहुंच पाई? बस डी बाई टू हाइट तक पहुंच पाई, क्योंकि वहां तक जाते 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 तो रफ्तार जीरो हो गई, है ना। तो भाई साहब रफ्तार जीरो हो गई, कहां तक पहुंचते पहुंचते? ये डी बाई टू तक पहुंचते पहुंचते, है ना। ये बात भाई साहब, बोलो बात समझ आई? सर आपने सर ये पानी डुलता हुआ पैराबोला क्यों बनाया? देखो पानी भरता हुआ पैराबोला से मेरा मतलब होता है ये, है ना, देखो पानी भर सकते हो ना इसके अंदर, है ना, और पानी ढुलता हुआ पैराबोला मतलब के ये। अब वो आधा भी हो सकता है उसका, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, परंतु अपने को समझना पड़ेगा ये पानी भरता हुआ पैराबोला और ये पानी ढुलता हुआ पैराबोला। आई होप हमें बात समझ आ गई होगी, है ना। सर ये आपने सर ये पानी ढुलता हुआ पैराबोला क्यों बनाया? सर देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू जी इंटू एस। अब अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है तो भाई साहब पानी ढुलता हुआ पैराबोला, क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो मुंह जो है ना वो नेगेटिव साइड में खुला होना चाहिए, है ना, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब कि मुंह जो है वो ऊपर की तरफ खुला होना चाहिए, है ना। आई होप हमारे को पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन सवाल का समझ आ गया होगा, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं भाई साहब। समझ आया ना हमें? और नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बता देना मैं हूं किस लिए। मैं तो सवाल कराने के लिए आया हूं भाई साहब, तुम पढ़ने के लिए आए हो, मैं पढ़ाने के लिए आया हूं, और तुमको नोट्स भी बनाने हैं। पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी है, नोट्स बनाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है भाई। बोल बात समझ आ गई? समझ आया आपने को ढंग से एकदम, है ना। अच्छा सा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो सवाल भी तुमको नजर आ रहा है, सामने उसका सॉल्यूशन भी नजर आ रहा है। अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे।